हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एकलव्य 4.0 बैच के अंदर। तो कैसे हैं आप लोग? अब तो बहुत ही अच्छे होंगे। और आज फिर से हम मिल चुके हैं एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रीम के साथ विद अ न्यू चैप्टर। यस, बच्चों की डिमांड थी कि हमें 12th का चैप्टर दो। ओके, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर किया बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आओ चलो अब हम 12th का डिफ्रेंशिएशन शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिमांड बहुत होती है। और मैं सच बता रहा हूँ कि आज का जो सेशन देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस पहले तो बूस्ट होगा। दूसरी बात, आपने ये चैप्टर ऑलरेडी बोर्ड के लिए किया है, कई बार किया है, शुरुआत ही डिफरेंशिएशन से की थी क्योंकि ये पहला चैप्टर था मैथ्स का। तो आज जो है आपका बोर्ड्स का भी रिवीजन होगा, आपको सारी चीजें याद आएंगी। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या जो ड्रॉपर्स है, सबको फायदा होने वाला है। तो फटाफट कनेक्ट हो जाओ, खुद भी आओ, दोस्तों को भी लाओ। कहाँ रह गए मेरे साथियों, फटाफट आ जाओ। यस, आज का चैप्टर है डिफरेंशिएशन, क्लास 12 सीटी सिलेबस, ऑल माय डियर्स फॉर एमएसटी सीटी 2024। सर क्या कराओगे बताओ, क्या कराओगे? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ये जो एकलव्य सीरीज है बहुत बेसिक से चालू होती है, बहुत बेसिक से चालू होती है। तो मैंने आपको जब अनाउंस किया था एकलव्य बैच, तभी बता दिया था कि जो भी बेसिक से चालू होती थी हमारी पुरानी सीरीज, वो ऑलरेडी बेसिक्स के साथ है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक बहुत कमजोर होता है, तो हमने उनके लिए एकलव्य 1.0, 2.0 और 3.0, जिसमें से 1.0 बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है, 2.0 मॉडरेट है और 3.0 थोड़ी सी एडवांस प्लेलिस्ट है। आप इसको जो है फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में किसी एक चैप्टर के। जैसे अभी एक लड़के ने तो मुझे ये भी लिखा था, अरे सर ये तीनों प्लेलिस्ट मिला के 200 के ऊपर लेक्चर है, इतना कौन देखेगा? तो मैं उस पगले से बोलना चाहूंगा कि अरे भाई तुझे कौन बोल रहा है इतना देखने। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिखाया, अब तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो अब क्या कर सकते हो? तो बच्चा एकलव्य 1.0 में कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 से 3 लेक्चर मिलेंगे आपको, एकलव्य 2.0 में इस चैप्टर के 2-3 लेक्चर मिलेंगे, और एकलव्य 3.0 में सब मिला के 6 से 8 लेक्चर आपको मिल जाएंगे तीनों प्लेलिस्ट मिला के। तो अगर तीनों प्लेलिस्ट मिला के आप तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू की तैयारी यहाँ मिल जाती है, वो भी बेहतरीन तरीके से। कहाँ 200 लेक्चर लगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। तो नंबर्स मत देखो कहाँ पर कितने लेक्चर है। अब जैसे कि आज मैं चालू कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन। क्या बात कर रहे हो सर, डिफरेंशिएशन, ओ माय गॉड डिफरेंशिएशन। अरे लेकिन सर डिफरेंशिएशन बहुत बात की है सर, बेसिक कर करके सब हो गया, लेकिन किसी किसी को लगता है कि सर भूल भी गए, थोड़ा सा बेसिक भी होना चाहिए। लेकिन यार बेसिक थोड़े फॉर्मूले में जरूर बताऊंगा। ओके, लेकिन जैसे आपको मैंने वादा किया था कि जो ये एकलव्य सीरीज है एकदम एडवांस सीरीज होने वाली है। इस सीरीज के अंदर जो भी सीटी सेल जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, जिस तरीके के या पूछने वाला है, वैसे क्वेश्चन लेने वाले हैं। यस माय डियर, वैसे क्वेश्चन लेने वाले हैं। कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है सीटी सेल, आपको कैसे पता? सीटी सेल का क्वेश्चन बैंक ही उठा लेते हैं ना भाई। यस माय डियर्स, चलो ओके एकदम चलो कैसे, आ जाओ फटाफट बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन का बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। सर फिर बेसिक पे आ गए, अभी आप बोले थे बेसिक में। अरे थोड़ा तो फॉर्मूला तो बताना पड़ेगा ना जो भूल गए उनके लिए। ठीक है चलो थोड़ा सा देख लो क्या होता है। क्या देखो, समझो कि एक एग्जांपल लेते हैं, fx 3x² + 4x + 5। इस तरह से कोई भी एक क्वेश्चन है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे? देखो आपको सब आता है, 12th के लिए आपने किया हुआ है। ओके कैसे, जो बोल रहे हैं फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला बुक अभी लॉन्च होने वाली है 8 बजे फॉर्मूला बुक। ओके तो देखो इसका डेरिवेटिव लेना है। आप लिखते थे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब लिखने की जरूरत नहीं है। सीटी में कुछ भी ऐसा लिखना नहीं है, स्टेप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, ओनली आंसर इज रिक्वायर्ड। आप डायरेक्ट एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखते हो, एफ डैश एक्स इस तरह से। और देखो ये जो है एक्स 2 यहाँ पर आता है, 2 × 3 = 6x, 4x का डेरिवेटिव 4, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये आ गया डेरिवेटिव। इस तरह से होता था। एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं आपको, ताकि आपके जो दिमाग पर धूल पड़ी है, ये जो आपने पढ़ रखा था बट भूल गए हो या धूल पड़ी है, वो साफ हो जाए। समझो कोई फंक्शन है 3 sin x + e raised to 2x + 1/x + log 2x, ऐसा कोई क्वेश्चन है। अब हमें बोला इसका डेरिवेटिव ले लो, कैसे लोगे? देखो
तो यहां पर सारे फॉर्मूले आपको आना चाहिए। थ्री, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, वेरी गुड। ई रेस टू टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू टू एक्स, बट एक्स के बदले अगर कोई और है, टू एक्स है, उसका वापस डेरिवेटिव लो टू और उससे मल्टीप्लाई करो। वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स, लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव, लॉग टू एक्स, तो देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स, लॉग टू एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू एक्स, एक्स के बदले टू है, एक्स होना चाहिए टू एक्स है, तो टू एक्स का वापस डेरिवेटिव टू, टू से यहाँ मल्टीप्लाई किया, टू टू कट गया, माइनस प्लस माइनस, और आपका आंसर ये आएगा। सर ये सब कैसे आ रहा है, साइन का कॉस कैसे हो गया, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग का वन अपॉन कैसे हो गया? तो ये सारे फॉर्मूला है, आपको सब आता है, आपने पूरा चैप्टर सीखा हुआ है, क्योंकि आप सीटी की तैयारी कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। ओके, तो अभी कैसे करेंगे, देखो ये सब आपको आना चाहिए। इसके लिए आपके सामने ये फॉर्मूला है, हमारी जो फॉर्मूला बुक है, बिल्कुल ये फॉर्मूला बुक है। बहुत सारे बच्चे हमारे जो है जिनके पास ये पहुंच गई है, जिसके पास नहीं पहुंची है, आज इसका हम लोग उद्घाटन करेंगे, सबके लिए अवेलेबल करने वाले हैं, 8 बजे इसकी लॉन्चिंग है, तो उसमें जरूर आइए, आप लोग भी इसको पा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इसको व्यवस्थित किया हुआ है, क्या किया देखो, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, कोई कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव जीरो, एक्स रेस टू एन है तो एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब एक्स रेस टू फाइव है तो डेरिवेटिव ये फाइव को पहले लाना है, फाइव एक्स रेस टू फाइव में से वन माइनस करना, ये वाला फॉर्मूला। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेस टू एक्स, और लॉग ए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, वन अपॉन एक्स डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस वन। मतलब क्या कि समझो वन अपॉन एक्स रेस टू फाइव है, इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये जो फाइव है इसको माइनस में कर दूंगा, अपॉन एक्स रेस टू इस फाइव में प्लस वन, फाइव प्लस वन सिक्स। तो ये एक तरीका है डायरेक्ट डेरिवेटिव पाने का। वैसे ही साइन एक्स होगा तो डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, sec x डेरिवेटिव sec x tan x, cosec x डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x, और x रेस टू x का शॉर्टकट होता है x रेस टू x इनटू 1 प्लस log x। अब यहां पर जो भी क्वेश्चन c से स्टार्ट है, देखो ये c, c जो भी क्वेश्चन c से स्टार्ट है उसके आंसर में आपको माइनस दिखेगा। आंसर में माइनस कब दिखेगा, अगर क्वेश्चन c से स्टार्ट है तो आंसर में माइनस दिखेगा। तो ये बेसिक फार्मूला है, जिसको ये फॉर्मूलेज आ गए वो डेरिवेटिव सीख जाएगा, ठीक है। फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि ये फॉर्मूले आपके पास रहे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यस माय डियर्स। तो ये फॉर्मूले आपके पास होना चाहिए डिफरेंशिएशन के। अब एक होता है चेन फंक्शन, या तो फंक्शन का फंक्शन, अगेन डिफरेंशिएशन, जैसे साइन एक्स है बच्चों, साइन एक्स है तो एक्स के बदले थ्री एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, समझो वाई नाप दिया, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, डेरिवेटिव को डैश भी लिखते हैं। साइन का डेरिवेटिव यहाँ देखो कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट एक्स होना चाहिए, एक्स के बदले थ्री एक्स है तो थ्री एक्स लिखो, एक्स के बदले जो भी था उसका साइड में डेरिवेटिव निकाल लो, थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री होता है, कभी भी याद रखना, फाइव एक्स है उसका डेरिवेटिव फाइव होगा, एक्स हट जाता है, तो ये एक्स के बदले थ्री एक्स था तो थ्री एक्स का वापस डेरिवेटिव थ्री, उस थ्री से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दो, फ्री सेशन है आपके लिए, है मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, और इधर खड़े होके एक से डेढ़ घंटे में आपको पढ़ाने वाला, ठीक है, लाइव लाइव सेशन को लाइक करो ताकि लाइव हमेशा चलता रहे, और इस सेशन को यार अपने दोस्तों में भी शेयर करो यार, क्योंकि मजा सबके साथ आता है, अकेले अकेले मजे ले रहे हो, सबको बुला लो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज हो गई, और भी कुछ फॉर्मूले होते हैं वो हम देखेंगे जरूरत पड़ने पर। ओके, यहां पर ये इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं जो आपको आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूले के ऊपर जिंदगी चल रही है। जैसे एक इंसान को हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, ओके, हवा पानी और भोजन चाहिए, वैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए और मेथड चाहिए। फॉर्मूले आते हैं, मेथड आते हैं, तो कभी गड़बड़ नहीं होगा मेरे भाई। साइन इनवर्स होता है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर वहीं पर कॉस इनवर्स आया तो सेम फॉर्मूला माइनस के साथ है। टैन इनवर्स होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और अगर कॉट इनवर्स आया तो सेम फॉर्मूला विद माइनस साइन। sec इनवर्स आया तो 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1, और अगर cosec इनवर्स आया तो सेम फॉर्मूला विद माइनस साइन। ऑल माय डियर्स, बहुत मजा आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन चालू करते हैं, सर क्या सिखाओगे? एकलव्य 1.0 2.0 अभी आपने बताया, क्वेश्चन तो बहुत सारे दिए और आप मुझे मालूम है कि प्लेलिस्ट पढ़ना चालू कर चुके हो। ओके,
ये तीनों प्ले लिस्ट करो जी, जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज बच्चे हैं, एवरेज स्टूडेंट है, बच्चों ध्यान से सुनो, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो एकदम ऐसा स्टार्ट कर रहा है, जो बच्चा क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है कि भाई अभी मैं शुरू कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, ट्वेल्थ का भी मुझे याद नहीं अच्छे से, तो ऐसे बच्चों को ये देखना है। यहाँ के क्वेश्चन में पहला लेक्चर बहुत ही बेसिक से सिखाया, लेकिन आज मैं उतने बेसिक से नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको मैं बेसिक ऑलरेडी अलग से दे रहा हूँ, आज मैं एडवांस से जाने वाला हूँ। एडवांस बोले तो क्या सर, जेई एडवांस लेकर आए हो क्या? ना मुन्ना ना, हमारा एमएसटी सीटी एडवांस आया है सर। ये ऐसी कौन सी एग्जाम होती है भाई, एमएसटी सीटी के अंदर तुझे बता दूं 30% जो है डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और जो अभी 2022-23 में और 2021 से ही ये ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि डिफरेंशिएशन चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर डिफिकल्टी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला किया है, चीजें आपको आती है, फंक्शन पता है, सिस्टम को क्रैक कर रहे हो, तो सारी चीजें आपको आसान लगेगी। जैसे देखो 9th में शिफ्ट 1 2023 का क्वेश्चन, सर 23 का क्वेश्चन क्या है? यस ऑल माय डियर्स, एक दो कैसे होगा? देखो क्वेश्चन एकदम अतरंगी दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी वन प्लस टी एंड एक्स रेस टू फोर प्लस वाई रेस टू फोर, ये दिख रहा है। कैसे लाना क्या है? डेरिवेटिव लाना है सर। पहला ही क्वेश्चन भयंकर दिख रहा है, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन इसके पहले 2020 में भी आया हुआ है। अगर आप 2020 और 21 के क्वेश्चन देखोगे तो वहां पर भी ये क्वेश्चन मिलेगा। एक तरह से ये PYQ था जो 2023 में रिपीट हुआ। तो जब भी मैं बोलता हूँ ना कि भाई चीजें रिपीट होती हैं, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा ना फोकस करना है PYQs के ऊपर, और एक्स्ट्रा MCQ तो करने ही है। तो जो मैंने यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर आपको MCQs मिलेंगे, MCQs इसमें PYQs मिलेंगे, और यहाँ पर तो एकदम एडवांस PYQ। जिसने एकलव्य की चारों प्लेलिस्ट देख ली किसी चैप्टर की, उसकी फुल तैयारी हो जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर देखो और भी कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, देखो ये क्वेश्चन, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, अगर आप देखते हैं 9th में शिफ्ट 1 के अंदर बोला है डेरिवेटिव ऑफ एफ सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी टेन एक्स, और एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है, एफ डैश रूट 2 4 है एंड जी डैश 1 2 है, तो बताओ कि इसका डेरिवेटिव क्या हुआ। देखो एफ सेक एक्स और जी टेन एक्स देख रहे हो, कब आया था? 9 मई को आया था भाई मेरे, ये 2023 में PYQ आया था, 2021-22 के PYQ में ये आपको मिलेगा। जिसने PYQ तैयार किए थे उनको ये अच्छे से आएगा। अच्छा इतना ही नहीं, 9 मई के शिफ्ट 1 के बाद 12 मई के शिफ्ट 1 के अंदर 12 मई को देखो, 9 मई के बाद 12 मई को भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ पिछले साल 2023 में। अच्छा हम लोग ना क्या करते मालूम है, कि जब भी हम CET का एग्जाम होता है ना, तो हम पेपर एनालिसिस करते हैं बच्चों से। जैसे आज जो बच्चे एग्जाम देकर आए, पहला दिन एग्जाम का है शिफ्ट 1, तो जो बच्चे एग्जाम देकर आते हैं वो हमको क्वेश्चंस भेजते हैं कि उनको एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे, तो हम शिफ्ट एनालिसिस कराते हैं, जिसके अंदर हम जो भी आज के दिन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हम यहाँ पर करवाते हैं। उसका फायदा नेक्स्ट डे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको होता है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन आया था 9th में शिफ्ट 1 2023 को, सिमिलर क्वेश्चन आया 12 मई के शिफ्ट 1 2023 में, दो दिन के बाद आया। ओके क्या आया? कि वही है, एफ टेन एक्स का डेरिवेटिव निकालो विद रेस्पेक्ट टू जी सेक एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। अच्छा यहाँ पर एफ डैश 1 2 है, जी डैश रूट 2 इक्वल टू 4 है, ये थोड़ा सा बदल दिया। देखो यहाँ पर क्या था, एफ डैश रूट 2 4 और जी डैश 1 2 था। देखो यहाँ पर जी डैश 1, ये थोड़ा सा बदल दिया, यहाँ पर चीजें बदल दी, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 है। यहाँ पर एफ टेन एक्स था, टेन एक्स पहले और सेक एक्स बाद में था, यहाँ पर देखो sec x पहले है, tan x बाद में, थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं। अब एक्चुअल क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या? नहीं, थोड़ा सा बदल दिया, ये sec x पहले है, tan x बाद में, यहाँ पर देखो tan x पहले sec x बाद में, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो सिखा रहे हो कि सिर्फ एनालिसिस बताओगे? भाई सब कुछ बताऊंगा एकदम, ठीक है, एकदम मजा आएगा। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे, देखो ये एक क्वेश्चन है 2023 का, देखो ये क्वेश्चन है, बाप रे कैसे कैसे क्वेश्चन है, एकदम बच्चे डर जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो यार अपने बुक में नहीं है, ये सीटी सेल ने कहां से उठाया। कोई बात नहीं, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो सारे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अरे मैं क्या बताऊं मेरे दोस्त, ये एक क्वेश्चन 2023 में पूछा, log x plus y is equal to 2xy, ये दिया है हमको, बोला डेरिवेटिव निकालो जब x 0,
भाई मेरे ये पीवाई क्यू था जो 2023 के पहले भी पूछा गया था 2021-22 में, और वापस 2023 के 12 मई को पूछा शिफ्ट वन में ये क्वेश्चन। आपको जानकर हैरानी होगी कि सीटी सेल को ये क्वेश्चन इतना प्यारा लगा कि सेम क्वेश्चन उसने पूछ लिया 10 मई को शिफ्ट टू में, यानी कि 12 मई को शिफ्ट वन में, उसके पहले भी आया था 10 मई को शिफ्ट टू में सेम क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन। अच्छा ये लोग ऑप्शन घुमा देते हैं, 0-1, 1-2, यहां पर देखो 0 था ये 1 हो गया, 1-1, 2-2, ऑप्शन अलग कर दिया। 12 मई को ये ऑप्शन था, 10 मई को ये ऑप्शन हो गया 0 वाला, ऑप्शन बदल देंगे, क्वेश्चन वही है। और फिर इसको इतना प्यारा लगा ना कि इसने 9 मई को भी ये क्वेश्चन पूछा था, 9 मई को शिफ्ट टू में भी यही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन देखो भाई ये लॉग एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2xy, क्वेश्चन रिमेन सेम। अच्छा उसने चीज घुमा दी y-0, इसका मतलब क्या है, जब एक्स जीरो है तो वाई डैश यानी डीवाई बाई डी एक्स कितना, देखो क्वेश्चन को ही घुमा दिया। इसके पहले क्या था, देखो जब एक्स जीरो है तो डेरिवेटिव कितना, इसके पहले क्या था, जब एक्स जीरो है तो डेरिवेटिव कितना, अभी उसने उसी चीज को थोड़ा सा घुमा दिया कि y-0 तो ये जीरो मतलब ऐसे होता है y-x, तो x की वैल्यू जीरो है, जब x जीरो तो y-y का मतलब डेरिवेटिव, मतलब क्वेश्चन वही है भाई मेरे, एक ही साल में एक ही क्वेश्चन प्यार मोहब्बत से बार बार पूछा जा रहा है, तो शिफ्ट एनालिसिस भी बहुत जरूरी होगी। ठीक है चलो, अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जिसकी मैं तैयारी कराऊंगा, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पीछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके यस ऑल माई डियर्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाले क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, चलो सबसे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं 9th में। क्या आप लोग तैयार हैं, क्या रेडी, एकदम रेडी, रेडी स्टडी। आपको पता है ना कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ नोट्स भी देता हूँ। पीडीएफ नोट्स कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में। टेलीग्राम कहाँ पर है, चैट में, देखो ऊपर लिंक पिन है टेलीग्राम का, लिंक अभी सर हमारे चैट में डाल देंगे, सर डाल दीजिए। हाँ टेलीग्राम में आ जाओ फटाफट। अथर्व लिखते हैं, मैं अभी टॉपर्स प्रो बैच ले सकता हूँ क्या, अभी सीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यस बिल्कुल आ जाओ, उसमें 12th के लेक्चर अभी चालू हुए हैं। ओके सीटी का टॉपर्स प्रो बैच में जो भी आना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हो, बहुत ही डीप में होता है वहां पर लाइव लेक्चर्स। ओके चलो आ जाओ, आप देख रहे हो यूट्यूब पर जब इतना अच्छा कोई मेहनत कर सकता है तो ऐप पर क्या होता होगा। चलो यहाँ पर देखते हैं, हमें सबसे पहले हमारे पास है x2+y2=t+1/t, बट हमारे पास ये भी है कि x4+y4 है t2+1/t2। ये बोलता है वो सब गया तेल लेने, dy by dx निकालो, बात खत्म, कितना आएगा इसमें से बताओ, ये डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x विल बी व्हाट, क्या होगा, एकदम ध्यान से देखो। तो यार हम लोग क्या करते हैं, एक तरीका लगाते हैं, मुझे क्या चाहिए x4+y4, मुझे ये t गायब करना है क्योंकि आंसर में t है क्या कहीं पे, देखो आंसर में t नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है आंसर में t नहीं है, क्वेश्चन में t है, तो t को एलिमिनेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। ओके समझ में आ रहा, तो कैसे करेंगे, यहां पर देखो ना टी स्क्वायर और 1/t² है, तो यार ये टी स्क्वायर कैसे आएगा, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो, लेकिन सर इसको स्क्वायर करोगे टी स्क्वायर 1/t² तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स, अरे तो वही तो चाहिए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x^4, मतलब स्क्वायर करना सही तरीका है, हम लोग स्क्वायर करेंगे तो सही तरीका। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूं तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर, आपको पता कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर 2ab, 2a और b दोनों का मल्टीप्लाई बीच में होता, मैंने साइड में करा, यहाँ पर देखो ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर 1/t का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 2a × b इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, tt कट गया 1 आ गया यानी 2 आ गया। ओ माई गॉड ये क्या आ गया, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टी स्क्वायर अपॉन 1+t² है इसकी वैल्यू हमको पता है x^4+y^4, तो यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते हैं x^4+y^4 और ये प्लस 2 है, यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है वो यहाँ पर है। ओके लिखने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करो, ये जो ये इक्वेशन से मैंने इसको बदल दिया, अब क्या होगा समझो, यही यहाँ पर है x^4 से लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे बच्चे, है ना, लिखना नहीं है सीटी में, हमें टाइम बचाना है, रफ में करना है तो ज़्यादा लिखना नहीं है। x^4 कैंसिल, y^4 कैंसिल, होने दो 2x²y² और ये 2 से डिवाइड, 2 आ गया 2/2 1, तो x² y² = 1,
अब स्क्वायर भी हटा दो, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेने पर वन, स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर हट गया वन। अब यहाँ पर एक्स इंटू वाई इक्वल टू वन है, अपने को चाहिए क्या, डेरिवेटिव ऑफ वाई। हम कैसे करेंगे, यू इंटू वी रूल आपको पता है, यू इंटू वी रूल, जिसको नहीं पता उसको बता दूं। देखो यू इंटू वी है, इसका डेरिवेटिव डैश मतलब डेरिवेटिव, पहले यू लिखते हैं फिर वी का डेरिवेटिव, प्लस करते हैं फिर यू करते हैं और यू का डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएशन में यू इंटू वी रूल होता है जो आपको आना चाहिए। तो देखो ये एक्स, वाई डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई एक्स का डेरिवेटिव वन और वन का जीरो। अब देखो यहां पर क्या हो गया बच्चों, यहां पर डी वाई बाई डी एक्स, एकदम ध्यान से देखना बेटा, प्लस वाई उस तरफ गया तो माइनस वाई अपॉन, देखो ये प्लस वाई चला गया, अब ये बचा है एक्स इंटू ए डी वाई बाई डी एक्स, एक्स वहां पर गया डिवाइड बाई एक्स। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने पा लिया, डेरिवेटिव जो होता है माइनस वाई अपॉन एक्स होता है। तो ये बी ऑप्शन अगर कोई सोच रहा है और बोल रहा है चार्ट में तो बिल्कुल सही है। ओके, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? यस, देखो क्वेश्चंस है ना इंटरेस्टिंग है, तरीका डिफरेंशिएशन है, आपने हमारे चैनल से डिफरेंशिएशन सीखा हुआ है, बोर्ड के लिए प्रैक्टिस की है, तो वही सारे तरीके डिफरेंशिएशन के हम यहाँ अप्लाई करें। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लॉजिक लगाना होगा, क्वेश्चन आपको जानबूझ के घुमा के दिया होगा कि तुम घूम जाओ, लेकिन जिसने क्वेश्चन की नस पकड़ ली वो घूमेगा नहीं, वो घुमा देगा, सही आंसर लाके दो रन बनाएगा। दो रन से क्या होगा सर, हमें तो सेंचुरी मारनी है, सर्वश्रेष्ठ सेंचुरी मारने वाला, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला विराट कोहली बनना है, सही बात है। तो कैसे बनोगे मेरे दोस्त, तो बिल्कुल एकदम प्रैक्टिस से होगा। क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं ये सब, ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ईजी है। ओके, फर्स्ट टाइम चैप्टर कर रहा हूं, मुझे समझ आएगा क्या सुधीर यादव, बिल्कुल आएगा, ध्यान दे बेटा। ओके चल अभी देखते हैं और देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया ये क्वेश्चन सेम 2023 के अंदर ही रिपीट हुआ मेरे भाई, ये क्वेश्चन 2023 के 9 मई को पूछा गया था और यही क्वेश्चन 2023 के 12 मई को पूछा गया। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा घुमा दिया, यहाँ पर टेन पहले है सेक बाद में, यहाँ पर देखो सेक पहले टेन बाद में, ठीक है एक मैं करता हूँ एक आप करोगे, है ना, देवान गेवान लेना देना। ओके, ऋषि को कुछ नहीं समझ रहा है, ओके बेटा। ओके देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया कि थोड़े से जो एकदम पहली बार सीखने आए हैं उनको थोड़ा डिफिकल्टी होगी, जिसको डेरिवेटिव आता ही नहीं है, तो सी टी कैसे करेंगे, डेरिवेटिव आना तो चाहिए ना, सी टी कर रहे हैं, ट्वेल्थ का बोर्ड नहीं कर रहे हैं, और डायरेक्ट करना है ज्यादा स्टेप। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एफ सेक एक्स, देखो बेटा एफ सेक एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी टेन एक्स, तो आप इस एफ सेक एक्स को यू समझ सकते हो, जी टेन एक्स को वी समझ सकते हो। तो आपको पता है कि हमने सीखा था कि समझो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ है, और मुझे डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता था, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन करता था। इस y का डेरिवेटिव होता है dy by dx अपॉन इस x का डेरिवेटिव, एक मिनट, y का डेरिवेटिव y का dy by d theta यहां से निकालेंगे और ये dx के लिए dx यहां से निकालेंगे dx by d theta, इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन, जो 1.4 आपके बुक के अंदर था। ओके तो ये एक पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमें डेरिवेटिव चाहिए उसमें दो अलग अलग अगर दिया है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेके डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर हम कर सकते हैं, पहले u क्या है, देखो u ये है, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर ले सकते हैं u का और v का डेरिवेटिव नीचे ले सकते हैं, समझ में आ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू x, ध्यान से समझो, ज्यादा लिखना नहीं है, स्टेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है, करना इंपॉर्टेंट है। u मतलब f sec x, उसका डेरिवेटिव ऊपर लो विद रेस्पेक्ट टू, ये बोला है v, डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ वी, तो ये बोला है, यानी यू का डेरिवेटिव ऊपर वी का डेरिवेटिव नीचे, यू मतलब क्या, यू एफ सेक एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो बच्चों एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स, एफ एक्स अगर है तो फंक्शन एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स लिखते हैं, अगर इस एक्स की जगह पे कुछ भी है तो उसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने अभी आपको सिखाया, ठीक है, तो यही कंसेप्ट यहाँ लगाएंगे, यू f sec x, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, f का डेरिवेटिव f डैश बट x के बदले sec x है, तो हम क्या करेंगे, इस sec x का वापस डेरिवेटिव लेंगे, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, समझ गए,
अब देखो वी डैश है, वी क्या है यहाँ पर देखो, वी जी टेन एक्स, तो जी जी का डेरिवेटिव होता है जी डैश। देखो बच्चों जी एक्स का डेरिवेटिव होता है जी डैश एक्स, समझ में आ रहा है? तो ये जी टेन एक्स है, जी का डेरिवेटिव क्या आएगा जी डैश टेन एक्स। ओ नो, यहाँ पर तो जी के बाद एक्स होना चाहिए था, बट एक्स के बदले टेन एक्स है, तो जो भी है उसका वापस डेरिवेटिव लो, टेन एक्स का डेरिवेटिव, टेन एक्स का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स। सर ये सब कहाँ से आ रहा है, टेन एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकाले सर, ऊपर sec x का वापस डेरिवेटिव sec x tan x से आया, तो भूल गए क्या? मैंने आपको पहले ही बताया कि अपने पास फॉर्मूला शीट है, ये जो फॉर्मूला बुक की फॉर्मूला शीट है या आपने जो कोई लिखा होगा फॉर्मूला वहीं से। देखो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और sec x का डेरिवेटिव sec x tan x ऑलरेडी फॉर्मूले में है, आपने स्क्रीनशॉट लिया है, आप बुक खोल के बैठिए फॉर्मूला देखते जाइए, बहुत मजा आएगा। ठीक है चलो, अभी हम क्वेश्चन ये कर रहे थे, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो यही क्वेश्चन दो दो मार्क के, हल्के में मत लो, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसा क्वेश्चन पढ़ के आंसर आना चाहिए, ऐसा नहीं होता बेटा। ओके तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो एकदम यहाँ पर डेरिवेटिव हमने ले लिया है, यहाँ पर एक चीज दी है आपको एक्स इज इक्वल टू पाई बाई फोर, एक्स पाई बाई फोर 45 डिग्री। अब यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, एक टेन है टेन एक्स यानी टेन पाई बाई फोर, और एक है सेक एक्स यानी सेक 45। tan 45 1 होता है, कैसे आया दसवीं में से आया, tan 45 sec 45 cos 45 1 upon root 2, तो sec उसका उल्टा root 2 होता है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे डायरेक्ट। देखो f डैश बच्चों sec x, sec x x कितना है पाई बाई फोर, sec x sec पाई बाई फोर root 2, तो ये क्या आ गया sec जहां भी होगा root 2 लिख दो, sec जहां भी है root 2 लिख दो, tan जहां भी है 1 रख दो, हम लोग x की जगह पाई बाई फोर रख रहे हैं, डायरेक्ट करना है बेटा, स्टेप नहीं चाहिए मुझे। जी डैश टेन एक्स, टेन पाई बाई फोर कितना है 1, sec square x, sec x कितना है root 2, root 2, बट ये उसका square है, okay, इस तरह से। अब देखो यहाँ पर देखो वैल्यू देखो बच्चों, f डैश root 2 ऑलरेडी दिया है, देखो यहाँ पर f डैश root 2 दिया हुआ है 4, तो ये दिया है 4 into root 2 into 1 root 2, जी डैश 1 भी वैल्यू दी है 2, उसको यूज करो 2, root 2 का square 2, wow, 2 into 2, 4. आंसर आ गया रूट टू, रूट टू है क्या, यस सी ऑप्शन इज रूट टू। कितना इंटरेस्टिंग है देखो, कितना इंटरेस्टिंग है भाई, समझ आ रहा है? अलकेश कहते हैं क्या हम 99.99% ला सकते हैं बीजेटीआई कॉलेज मिलेगा, बेटा ला तो सकते हो, बट उसके लिए उस तरह का डेडिकेशन और हार्डवर्क चाहिए, डेली सीटी की तैयारी करनी पड़ेगी, डेली डेली मैथ्स डेली फिजिक्स और डेली केमिस्ट्री करना पड़ेगा अगर आप 99.99 या 100% लाना चाहते हो, क्योंकि बहुत आसान भी नहीं है, समझ में रहा है? तो डेली करना पड़ेगा, जो भी 98-99% लाना चाहते हैं उसके ऊपर। अब डेली कैसे होगा, तो अब डेली मैं यूट्यूब पर नहीं ले रहा हूँ ना, क्योंकि फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, बट जो ड्रॉपर है या जो ऐसे बच्चे हैं अपने आप को झोंक चुके हैं पूरी तरह से सीटी में, या जो बच्चे बोर्ड देने वाले उनकी ट्वेल्थ की तैयारी हो चुकी है, वो सिर्फ सीटी करना है, उनको बोर्ड का टेंशन नहीं है, ऐसे बच्चे डेली प्रिपरेशन में आ सकते हैं और वो हमारी टॉपर्स प्रो बैच है, वहां पे जा सकते हैं। ओके ठीक है, अभी देखो यहाँ पर ये हो चुका है, सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो और आप लोग इसको ट्राई करना, बिकॉज एवरीथिंग इज सेम, सब कुछ सेम है, इसको यू समझ लेना, इसको यू वी समझ लेना, समझ में आ रहा है? डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू वी करना है, समझ रहा है? इसका डेरिवेटिव एफ डैश टेन एक्स होगा और टेन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा जी डैश सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, मतलब यहाँ जो ऊपर आया था वो नीचे आएगा और जो नीचे आया ऊपर आएगा, बस ओके। और जहां पर भी ये वहां पर भी होगा tan 45 1 sec 45, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। देखो ये वैल्यू भी दिए सब, x का वैल्यू पाई बाई फोर है, हम यहाँ लिख देते रिफर प्रीवियस क्वेश्चन सिमिलर। देखो सीटी सेल क्या करता है, क्वेश्चन के अंदर नंबर चेंज कर देगा, यहाँ वहां चेंज कर देगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये होमवर्क है आपको करना है। तुक्का मारेंगे तो चलेगा क्या ऋत्विक पूछ रहा है, तुक्का मारेगा तो क्या होता मालूम है, कभी कभी तुक्का सही बैठ जाता है, सही बैठ गया तो अच्छी बात है, बट गलत बैठ गया तो दो मार्क गया ना, और बूंद बूंद से सागर बनता है बेटा। ओके तो कैसे समझता है यू एंड वी की प्रॉपर्टी लगानी है, श्वेता पूछ रही है बेटा। श्वेता जब दो अलग अलग फंक्शन है
और पहले को दूसरे के विथ रेस्पेक्ट टू से डेरिवेटिव लेना है, तो हम 1.4 एक्सरसाइज का तरीका लगाते हैं पैरामेट्रिक वाला, जिसमें हम पहले को u दूसरे को v लेके ऐसे करते हैं। ठीक है, अभी देखो आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन है, ये मैं बाद में बताता हूँ क्योंकि इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं इसको। अब ये देखते हैं, देखो ये यहाँ पर जो फंक्शन चैप्टर है हमारे, फंक्शन चैप्टर 11th का जो है वो बहुत जरूरी है, सीटी में भी है, मैंने बहुत प्यार से सिखाया हुआ फंक्शन चैप्टर बैच के अंदर, हमारे यूट्यूब पर भी पहले सिखाया था, अभी जो है टॉपर्स प्रो बैच में और इन सब बैचेस में ये हुआ था। जो बच्चे वहां से आए होंगे उनको थोड़ा सा आसान लगेगा, बट जो पहली बार कर रहे हैं उनको डिफिकल्ट भी लग रहा है क्योंकि वो पहली बार सारी चीजें कर रहे हैं। तो भाई ये चीजें बहुत सारे बच्चे ऐसे जो बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब फंक्शन आपको बनाने आना चाहिए, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट टू जी एक्स, ये दिया है हमें, बोला एच एक्स है जो एफ ऑफ जी एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स, ये फंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट है जो डेरिवेटिव में यूज हो रहा है, एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स करना है। तो सबसे पहले हम एच एक्स निकालते हैं, एच एक्स क्या है, एच एक्स है एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, समझ रहे हो इसका मतलब, समझो। देखो बहुत जन को ये कंफ्यूजिंग लगेगा कैसे आ रहा है, देखो एच एक्स क्या एफ, अब एफ फंक्शन क्या है एफ, एकदम ध्यान से देखना, एफ फंक्शन क्या है एफ, एफ एफ फंक्शन है एफ ई रेस्ट टू एक्स, ई रेस्ट टू एक्स, ये है एफ फंक्शन क्या है ई रेस्ट टू एक्स, लेकिन यहां देखो एफ के बाद एक्स होना चाहिए, बट यहां पर है, एक मिनट है, इसको वापस लिखता हूँ, एच एक्स क्या है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एकदम ध्यान से देखना, देखो ये फंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट है, एफ 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 क्या है, देखो यहां से एफ एफ क्या है, देखो ई रेस्ट टू एक्स एक्स, समझ रहा है ई रेस्ट टू एक्स, बट देखो ये जो एफ के बाद एक्स होगा तब ये लेते हैं, बट एफ के बाद जी एक्स है, इस एक्स की जगह पर हमें जी एक्स रखना है, यहां पर जो x है इसकी जगह पर हमें जी एक्स रखना है, क्या रखना है जी एक्स, जी एक्स समझ रहे हो, जी एक्स मतलब इस x की जगह जी एक्स रखना, मतलब एफ एक्स में ई रेस्ट जी एक्स क्या है साइन इनवर्स x है, तो इस x की जगह पर जो x था उसकी जगह पर ये जी एक्स यानी साइन इनवर्स x रखना है, क्या किया सर आपने ये फंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट है कि किसी भी फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसको बोलते हैं एफ ऑफ जी एक्स, यानी एफ ऑफ जी एक्स बोलते हैं। देखो सिखाता हूँ फंक्शन चैप्टर, फंक्शन चैप्टर सिखाता हूँ, देखो बच्चों यहाँ पर एफ एक्स क्या है ई रेस्ट टू एक्स, एफ मतलब क्या है ई रेस्ट टू एक्स होना चाहिए, ओके एफ एक्स, एफ एक्स, बट इस एक्स की जगह पर क्या है जी एक्स, जी एक्स, देखो ये एक्स है ये एक्स, यहाँ पर क्या है जी एक्स, तो इसके अंदर जो एक्स है ना उसकी जगह पर ये जी एक्स वाला वैल्यू आएगा, ये जी एक्स वाला वैल्यू कहाँ पर आएगा यहाँ एक्स की जगह, जी एक्स वाली वैल्यू यहाँ डालता हूँ, तो ये जो एक्स है इसको हटाएंगे, वहां पर जी एक्स क्या था साइन इनवर्स एक्स। तो ये होता है फंक्शन चैप्टर का कंसेप्ट, मेरा फंक्शन चैप्टर का प्लेलिस्ट जरूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए, ओके। तो ये हो गया हमारा एच एक्स, अच्छा लाना क्या था, देखो यहाँ पर एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स ये लाना है, ठीक है, तो यहां पर जो नीचे है ना बच्चों एच एक्स वो आ चुका है, एच एक्स क्या आया है ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स ये आया, अब एच डैश एक्स लाना है, यहां पर डेरिवेटिव का यूज होगा, अभी तक हम फंक्शन का यूज कर रहे थे, फंक्शन का यूज कर रहे थे, समझ में आ रहा है, यहां पर कोई कुछ लिख रहा है, पवन ओझा थैंक यू सर फ्री में भी इतना डिटेल पढ़ाने के लिए, यस यार मेरा काम है पढ़ाने उतरेंगे तो अच्छा ही पढ़ाएंगे, ओके। अभी देखो यहां पर क्या होगा, अभी हमें एच डैश एक्स चाहिए, हमको पूछा एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स, एच एक्स का डेरिवेटिव एच डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव, तो देखो ये ऐसा है, कभी भी याद रखो ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स और इंटू लॉग ए, अगर आप याद करोगे तो, लेकिन अगर ई रेस टू एक्स है तो इसका डेरिवेटिव सिर्फ ई रेस टू एक्स होता है, ई एक स्पेशल नंबर होता है 2.71 डॉट डॉट डॉट, तो e होगा तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स होता है, और e के बदले कोई नंबर है 1 2 3 4 5 या कोई कांस्टेंट है a b c d, तो उसका a रेस टू एक्स का a रेस टू एक्स लॉग ए लगाते हैं, अब ये e रेस टू समथिंग है, इसका डेरिवेटिव तो वही होगा e रेस टू साइन का e रेस टू साइन इनवर्स x, बट यार इधर x होना चाहिए ना सर e रेस टू x, उसके बदले क्या है e रेस टू x ही होना चाहिए, x के बदले साइन इनवर्स है, तो इस साइन इनवर्स का वापस डेरिवेटिव लेने का, x के बदले अगर कुछ और है तो उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया एच डैश एक्स,
हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बोला था एच डैश एक्स अपॉन एच एक्स निकाल, देखो ये रहा, तो नीचे एच एक्स तो हमने निकाल लिया था, उसका डेरिवेटिव यहाँ लिखो, ई साइन इनवर्स एक्स इंटू वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब कुछ कटता है तो काट दो, दुनिया को बांट दो, कट गया। तो यार आपका आंसर क्या है बताओ, व्हाट इज योर आंसर ओवर हियर? ये आंसर आ गया वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यह है आपका बी आंसर। कितना आसान है, देखो आपको फंक्शन आना चाहिए, डेरिवेटिव आना चाहिए। डी बोलने वाले ऋषिकेश नाइकुड़े चुकले, बी बोलने वाले डिस्को, बी बोलने वाले डिस्को, डी वाले खिसको, डी रॉन्ग है भाई। ठीक है, देखो तो बी है, मैंने सॉल्व करके दिखा, ये कट जाएगा ना, ई रेस टू साइन इनवर्स तो कट गया ना। अगर सिर्फ एच डैश एक्स बोलता एच डैश एक्स तो ये आता, डी आता, एच डैश एक्स बोलता तो डी आता, समझ रहे हो, और सिर्फ एच एक्स बोलता तो ये आता, ए आता। वो जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है, अब कंफ्यूज नहीं होने का। आ जा रहा है, यस यस आ जाओ बेटा, एक लड़का बोल रहा है कौन, शुभम यादव, एमसीक्यूज हो गए, यहाँ पर रिवीजन करूँ, यस बिल्कुल आ जाओ यार, आप लोगों के लिए है, जेई के प्रिपरेशन में सीटी हो जाएगा बेटा, जेई में बहुत सारे सीटी के चैप्टर है ही नहीं। ओके चलो नेक्स्ट, एक अनामिका पूछ रही है आप डेली यूट्यूब पर लेक्चर लेंगे? बेटा डेली यूट्यूब पर लेक्चर होता है, थोड़ा टाइम टेबल आपको बता दूं बच्चों, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे डेली यूट्यूब पर लेक्चर होता है। हाँ, उसमें फ्राइडे और सैटरडे को मैथ्स होता है, फ्राइडे और सैटरडे को मैथ्स होता है, वेडनेसडे थर्सडे को केमिस्ट्री होता है बच्चों। ओके, और आपको बता दें कि यहाँ पर मंडे थर्ड ट्यूजडे को फिजिक्स होता है, तो ये टाइम टेबल याद कर लो। जो भी बच्चे आज आए हैं, नए बच्चे होंगे, तो मंडे से सैटरडे सीईटी की सीरीज चालू है, ये होता है शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक, डेली होता है फिजिक्स, ये जो है ये पी फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल है वहाँ होता है, केमिस्ट्री जो है ऑल अबाउट केमिस्ट्री पर होता है यूट्यूब चैनल है, हम तीन टीचर्स की जो है यहाँ पर, जोड़ी है तोड़ी है जो भी बोल दो, और ये हमारे दिनेश सर लाइव स्टडी चैनल जिस पर आप हो उस पर। तो ये क्या हो गया डेली, जो बच्चे बोर्ड एग्जाम का टेंशन लेके बैठे हैं बट सीटी भी करना है, उनके लिए हमने किया है कि डेली कम से कम 1 घंटा करो। ओके, सुरेश लिख रहे हैं वेरी एक्साइटेड फॉर ब्रह्मास्त्र बुक, आ जाएगी बेटा जल्दी आ रही है। ओके अभी देखो ये क्वेश्चन आ गया, अब ये क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग था आपको पता चल रहा है क्या? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि सेम क्वेश्चन 2023 में ही 3 बार आया है। कितनी बार आया है? 3 बार। सर इतना एनालिसिस कैसे करते हो भाई? मैंने ब्रह्मास्त्र बुक बनाई है, ब्रह्मास्त्र बुक के अंदर मैंने पूरे जो 2021 भाई 2023 इनके जो पूरे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो खुद मैंने सीटी सेल के क्वेश्चन बैंक से निकाले और उनको चैप्टर वाइज बाइफरकेट किया और उनके सोल्यूशन अपने हाथों से शॉर्टकट तरीके से अच्छे अच्छे कलरफुल पेन्स का यूज करके मैंने बनाया है, क्रिएट किया है, जो हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है ब्रह्मास्त्र बुक पीडीएफ, और उसका हार्ड कॉपी भी आ रहा है इस महीने के एंड तक। तो इसलिए मैंने एनालिसिस भी किया जब मैं सोल्यूशन बनाता हूँ कि भाई सीटी सेल क्या पूछ रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सीटी सेल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो एक्सपीरियंस बहुत यार काम का आता है। तनवीर लिख रहे हैं सर आप क्या पढ़ाते हो ऐसा, पेट वाले क्लास वाले भी नहीं पढ़ाते। चलो कोई बात नहीं, चलो ये 12 मई का 2023 है, ये हो गया ठीक है। अभी ये सेम क्वेश्चन आया था 10 मई को, सेम क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन आया था 9 मई, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन 3 बार है, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मैं कर रहा हूं इसको, तो कैसे करेंगे देख लो बच्चों। सबसे पहले log x plus y is equal to 2x plus y, ये बोलता है कि जब x is equal to 0 तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक काम करते हैं कि अगर x is equal to 0 है तो y कितना आएगा वो निकाल लेते पहले, अगर x 0 है तो y कितना, देखो log 0 plus y और 2 into 0 into y, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू वाई 0, लॉग 0 प्लस वाई लॉग वाई 0। ओ माई गॉड, किसी का लॉग 0 कब होता है, जब वो लॉग 1 होगा, लॉग 1 0 होता है, यानी y कितना आ गया 1 आ गया, y इज इक्वल टू 1, हमें x मिल गया और y मिल गया। ये आपको अच्छे से करना है, कैसे किया आपने सर, ये जो क्वेश्चन था उसमें ये x 0 रख दिया मैंने, जहां भी x है 0 रख दिया, देखो 0 रख दिया, 2 into 0 into y, 0 into everything 0, ये right hand side 0 हो गया, 0 plus y, y log y 0, अब किसी का log 0 है, मतलब log 1 0 होता है, यानी y 1 है, direct comparison, या तो ऐसे भी कर सकते हो, log y is equal to 0, यहाँ पर base हमेशा e होता है,
कैलकुलस में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करते समय हमेशा लॉग का बेस ई होता है, तो ये वाई इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ई यहाँ गया तो ई रेस टू जीरो, ई रेस टू किसी का पावर जीरो होगा तो वन होता, ऐसे भी निकाल सकते हो, इट्स योर चॉइस आप कैसे करते हो। ओके अभी देखो यहां पर ये y इज इक्वल टू वन हो गया, x इक्वल टू जीरो, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सिंपल डेरिवेटिव, सिंपल डेरिवेटिव या तो आप एक्सपोनेंशियल करके भी ले सकते हैं, सिंपल भी ले सकते हैं। देखो log 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 x का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन x होता है। अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, हाँ देखो log का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन, तो ये log का डेरिवेटिव हो गया वन अपॉन, बट यहाँ पर x होना चाहिए था x, उसके बदले x प्लस वाई है, कोई बात नहीं, जो भी x के बदले था x प्लस वाई, इसका वापस डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव वन, y का डेरिवेटिव dy वाई बाई dx लिख सकते हो। देखो कभी भी y का जो डेरिवेटिव लिखना है ना, तो आप dy वाई बाई dx लिखो, या तो आप है ना y डैश लिखोगे तो भी चलेगा, आप y के डेरिवेटिव को y डैश भी लिखोगे तो भी चलेगा, dy वाई बाई dx है तो आप dy वाई बाई dx लिखो या y डैश, तो सर y डैश क्यों लिखने का, बोर्ड में तो हम dy वाई बाई dx लिखते हैं, टाइम बचाने के लिए, इफ यू वॉन्ट टू सेव योर टाइम देन यू शुड डू इट। ओके तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश, टाइम बचाने के लिए, इज इक्वल टू इंटू, अब देखो ये x इंटू वाई है, u इंटू वी करो, याद है u इंटू वी, x डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y और डेरिवेटिव ऑफ x, x का डेरिवेटिव 1, u इंटू वी क्या था, ये सब बेसिक आपको आना चाहिए बेटा, u इंटू वी का डेरिवेटिव u, फिर v का डेरिवेटिव प्लस v, फिर u का डेरिवेटिव डैश मतलब डेरिवेटिव, अब आ गया। अब हमको निकालना क्या था, देखो dy बाई dx मतलब y डैश निकालना है, अब क्या करो x की जगह 0 और y की जगह 1 रख दो, आंसर आ जाएगा, जहां भी है देखो x की जगह 0 y की जगह 1, 1 प्लस y डैश आने वाला है आ जाएगा 2, x की जगह 0 y डैश y की जगह 1, देखो 1 अपॉन 0 प्लस 1 1, 1 अपॉन 1 1, 1 इंटू एवरीथिंग 1, चलो 1 प्लस y डैश, देखो ये 0 इंटू y डैश ये पूरा 0 हो गया, 0 इंटू डेरिवेटिव 0, 0 प्लस 1 1, 1 इंटू 2 2, फिर क्या आ जाएगा देखो यहां पर, देखो y डैश इज इक्वल टू ये 1 यहाँ गया 2 माइनस 1 1, y डैश मतलब डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कितना है 1, 1 कहाँ पर है ए, ऑप्शन ए सही है, किसी ने ऑप्शन ए बताया क्या, प्रणय चौधरी बी बताने बेटा गलत हो गया, गलत हो गया बेटा, क्या लग रहा है बच्चों, लग रहा है अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा है मजा, आना ही चाहिए, कैसे नहीं आएगा, वेक्टर चैप्टर हार्ड लगता है, अरे एकदम ईजी करके देंगे हम लोग, आप हमारे साथ बने रहो। ओके फॉर्मूला बुक 8 बजे आएगी आज, यस यस संवेद वो आ रहा है क्वेश्चन। ओके देखो सेम क्वेश्चन, ओके सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन, अच्छा यहां पर पूछने का पैटर्न अलग है कि वाई डैश जीरो तो ये एक्स की वैल्यू है और वाई डैश निकालो, समझ गए, सिमिलर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। चलो अभी फिर से पैरामेट्रिक टाइप का क्वेश्चन आ गया, ओके पैरामेट्रिक टाइप क्वेश्चन आ गया, देखो x इज इक्वल टू 3 tan t एंड y इज इक्वल टू 3 sec t, देन द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4, फिर से आ गया, कब पूछा था देखो 10th मई को पूछा था 2023 के अंदर, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, फटाफट आ जाओ, देखो डेरिवेटिव ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है यार, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है, ज्योमेट्री चलाना नहीं है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले आने चाहिए, पंडा लो हो जाएगा। ओके चलो कैसे करेंगे, देखो x और y दो अलग है, हमको d2y बाई dx निकालना है, तो यार एक बहुत ही अच्छी चीज है, दो तरीका होता है, एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, नॉर्मल बोर्ड का मेथड तो ये कर सकते हैं हम लोग कि पहले dy बाई dx निकाल सकते हैं, कैसे dy बाई dx, तो जो y है ये y का डेरिवेटिव ऊपर, x का डेरिवेटिव नीचे है ना, 3 sec x tan x, 3 tan x sec square x ना, ऐसे करके निकाल सकते हैं, फिर जो भी आएगा उसका सेकंड डेरिवेटिव ले सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव ऐसे करके, तो वो एक बोर्ड का तरीका होता है, सिंपल तरीका कि x का डेरिवेटिव ले लिया, फिर y का डेरिवेटिव ले लिया, दोनों को डिवाइड किया तो डेरिवेटिव आया, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, ये बोर्ड मेथड होता है, बट मैं आपको एक दूसरा तरीका बताना चाहूंगा जिसमें हम आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। बच्चों आपको पता है कि 10th से ट्रिग्नोमेट्री में आप सीख रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, अरे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या आपको याद है, क्या आपको याद है ये तीनों फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये एलिमिनेशन मेथड के लिए बहुत यूजफुल होते हैं। ओके, ये एलिमिनेशन मेथड के लिए बहुत यूज होता है। जैसे कि अभी इसको मैं यूज करने जा रहा हूं, देखो यहां पर बच्चों देखोगे तो जो क्वेश्चन है वो है 3 tan t एंड y इज इक्वल टू 3 sec t। तो अभी ये tan और sec है, मैं चाहता हूं कि ये t जो पैरामीटर को ही गायब कर दूं ना, क्योंकि मुझे आंसर में t चाहिए क्या, नहीं, डेरिवेटिव ऑफ y है, तो मैं पैरामीटर को ही अगर गायब कर दूं तो पैरामीटर कैसे गायब होगा, ये tan और sec है, तो tan और sec का रिलेशन क्या कहता है कि 1 + tan² इज इक्वल टू sec स्क्वायर। ये tan स्क्वायर वहां गया तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो sec स्क्वायर थीटा t माइनस tan स्क्वायर t इज इक्वल टू 1, सेकंड आइडेंटिटी से आया, कहां से देखो, यहां से tan स्क्वायर वहां, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इससे मैं क्या करूंगा ना, t को गायब कर दूंगा t। अब देखो sec t क्या है, इधर से अगर मैं बोलूं कि sec t कितना है, sec t ये 3 sec t है, 3 इधर आया तो y/3। tan t क्या आएगा, tan t ये 3 यहां पर आया तो x/3 रख दो, sec t क्या है y/3 बट उसका स्क्वायर है, tan t क्या है देखो x/3 बट उसका स्क्वायर है। संपला विषय, क्या किया बेटा मैंने, जो क्वेश्चन था ना ये x और y दोनों दूर दूर थे, दोनों दूर दूर थे, मैं यहाँ तू वहाँ, मैंने दो को मिला दिया, दो दिल मिले, दो फूल खिले, दो कलियों ने संग संग चलना स्वीकार किया, और दोनों को मैंने एक फॉर्मूले में लाके मिला दिया, और इनके बीच का जो टी था वो गायब कर दिया, टी को ही गायब कर दिया। ठीक है, अब होगा क्या, देखो वाई स्क्वायर अपॉन 3² 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3² 9, दोनों का अपॉन 9 था, अपॉन 9 उस तरफ गया, 9 × 1 9 डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा सा वाई स्क्वायर 3² 9 होता है अपॉन 9, एक्स स्क्वायर 3² 9 होता है, दोनों का बेस सेम है, ऊपर वाले माइनस हो गए, अपॉन 9 था, 9 वहां गया, 1 में मल्टीप्लाई हो गया डायरेक्ट। हमको सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है, पर उसके पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा, देखो y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy/dx माइनस x स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 9 का 0। अब देखो हां dy/dx ये माइनस 2x वहां गया तो 2x, और ये 2y है यहां पर, 2y वहां गया तो अपॉन में 2y, 2 कट x/y है, ये पहला डेरिवेटिव हो गया। अब हम दूसरा डेरिवेटिव निकालते, हाउ टू गेट सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लाइक दिस, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं y// सेकंड डेरिवेटिव, टाइम बचाने के लिए, बट चलो अभी इतना लिखते हैं। अब देखो x/y u/v का डेरिवेटिव आपको आता है क्या, u/v जिसको आता है उसको सही है, जिसको नहीं आता देख लो भाई, v डेरिवेटिव u माइनस u डेरिवेटिव v, ओके v डेरिवेटिव u डेरिवेटिव माइनस आता है तो नीचे जो v है उसका स्क्वायर। देखो डेरिवेटिव का सेकंड डेरिवेटिव x/y है तो y, x का डेरिवेटिव 1 माइनस है x, फिर y डेरिवेटिव ऐसे, हाँ y- करते अपॉन नीचे जो y है उसका स्क्वायर। अब ये आंसर आ गया, बट ये आंसर यहाँ मैच नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मैच हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर t की वैल्यू दी है, t की वैल्यू क्या दी है, t इज इक्वल टू π/4, t कितना दिया है π/4। अब देखो मुझे यहाँ पर x और y के टर्म में है, तो मैं क्या करूँगा, जो t है उसकी जगह π/4 रखे, x निकालो, x क्या था 3, देखो tan π/4 क्या होता है, tan 45 1 होता है, x इज इक्वल टू 3, चलो y 3, sec 45 क्या होता है, sec 45 √2 होता है, सर कहाँ से आया, अरे अभी मैंने पीछे बताया था, देखो पीछे मैंने बताया था ना, पीछे मैंने क्या बताया था, tan π/4 1 और sec π/4 √2, ये कहाँ से आता है, ये ट्रिगो के टेबल से आना है, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक आपको आना चाहिए। निखिल बोल रहा है सर मुझे बुक चाहिए, आपकी जो बुक फीस है मैं दे दूंगा, क्या बुक मिल सकती है, बेटा 8 बजे लॉन्च हो रहा है, आपको बुक दे रहे हैं हम लोग, जिसको भी बुक चाहिए बुक खरीद सकता है वो 8 बजे, ठीक है। अब ये हो गया, अब ये वैल्यू रख दो बेटा, जहां भी x है 3, y की जगह 3√2, y की जगह 3√2 माइनस जो x है, x की वैल्यू 3, y डैश मतलब ये जो है ना, यहां से y डैश मतलब डेरिवेटिव, x की वैल्यू कितनी थी 3 और y की वैल्यू कितनी थी 3√2, 1/√2, y डैश क्या आया 1/√2, वाई स्क्वायर, वाई कितना है 3√2, इसका स्क्वायर 3² 9, √2 का स्क्वायर 2, सॉल्व कर दो आंसर आएगा, देखो ये 3 × 1 3/√2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3√2 × √2 3 × 2 = 6,
थ्री इंटू वन थ्री अपॉन में, इनका जो रूट टू है वो नीचे आ गया, नाइन इंटू टू एटीन, क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया आप भी करना, सिक्स माइनस थ्री थ्री, थ्री अपॉन रूट टू इंटू एटीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन, तो वन अपॉन नीचे आया सिक्स रूट टू, वन अपॉन सिक्स रूट टू है, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट। थोड़ा सा मैंने अलग तरीके से बताया, ये क्वेश्चन और भी हो सकता था बट वो लेंथी जा सकता था, जहां पर हम एक बार ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव लेंगे, फिर डेरिवेटिव का सेकेंड डेरिवेटिव लेना है तो और लेंथी हो सकता है। समझ में आ रहा है? अनामिका लिखती है थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, यस बेटा वेलकम आपका। तो सेशन को लाइक करना है ताकि हम आगे बढ़ते रहें, अपना सेशन जो है उपयोगी हो, बाकी लोगों को रिकमेंड होता रहे। ओके, जो बच्चे बोल रहे हैं परत एकदा त्यांच्यासाठी मी सांगतो, हे सेव होणार लेक्चर, लाईव्ह आहे, लेक्चर झाल्यानंतर हे सेव होणार, तुम्ही लेक्चर झाल्यानंतर रेकॉर्डेड जी फाईल असते ती केव्हाही बघू शकता। डोंट स्पॅम ना। देखो यहां पर टेलिग्राम की लिंक चल रही है, तो आप जो टेलिग्राम की लिंक से टेलिग्राम ज्वाइन कर सकते हो। बेटा एक बच्चा पूछ रहा आई विल टॉपर्स बैच के लेक्चर में और एकलव्य 4.0 में क्या डिफरेंस। बेटा एकलव्य 4.0 यहाँ पर चल रही है आप लोग के लिए, जो फ्राइडे सैटरडे मैथ्स है, मंडे से सैटरडे तक चल रहा है, डेली सीटी के एक लेक्चर होते हैं। टॉपर्स बैच में डेली दो से तीन लेक्चर होते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा लेक्चर्स होते हैं। ठीक है आई विल बेटा, ठीक है, यस। ओ माय गॉड, अरे बाप रे बाप, अरे क्या हुआ सर यार, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो यार, ये कैसे होगा, क्या मेरे बच्चे कर पाएंगे, सॉल्व हो पाएगा या नहीं। 2023 के 10 मई के बच्चे बेहोश तो नहीं हुए थे पिछले साल जिन्होंने दिया था, कहाँ रह गए ड्रॉपर्स, क्या ये क्वेश्चन तुमको आया था, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन आया था, और ये उड़ा मोटा क्वेश्चन कौन देता का, एवढा मोठा प्रश्न कोण देतो एवढं मोठं, वा देवा देवा, अरे डरने का नाही, इधर डरने का नाही, घबराने का नाही। आ देखो कुछ 10-15 बच्चे भाग गए, 15-20 बच्चे लाइव से भाग गए ये क्वेश्चन देख के। अरे भाई, अरे रहो तो, मैं बता तो रहा हूँ, घबरा जाते हो यार, तुझे पगले कैसे करे करे। देखो यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे हम लोग, ट्रिगो का फॉर्मूला, टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी, ये क्या बोलता है, अगर ऐसा कुछ है तो टैन इनवर्स अंदर जाके दोनों को दो, टैन इनवर्स ए प्लस है तो प्लस, टैन इनवर्स बी अगर यहां ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होगा, और यहां माइनस है तो यहां माइनस आएगा। ये कंसेप्ट यूज करो, ये एकदम इजी क्वेश्चन है, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। सुपर ह्यूमन लिखता है आई एम फ्रॉम फादर रेगनल इंजीनियरिंग कॉलेज वाशी, आई वॉज योर स्टूडेंट फ्रॉम टॉपर्स बैच, थैंक यू सो मच सर। चलो हमारे एक बच्चे आ गए पुरान स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आपका लेक्चर में। ओके एकदम इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है ना मैं क्या बताऊं। देखो ये वाई है, पहले डेरीवेटिव मतलब सिंप्लीफाई करो, टैन इनवर्स, देखो ये लॉग है ना अंदर जाने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग अगर ए इंटू बी है और लॉग अंदर गया तो लॉग ए इंटू का प्लस कर दे लॉग बी, लॉग की प्रॉपर्टी, और लॉग अगर ए अपॉन बी है, लॉग अंदर गया लॉग ए ये अपॉन है ना तो माइनस होता है लॉग बी, लॉग सबके पास जाता है, गुणाकार होगा तो प्लस हो जाएगा, भागाकार होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये देखो ये लॉग अंदर पहले डालो यार, लॉग अंदर गया लॉग लॉग ई माइनस लॉग एक्स स्क्वायर असुदे, लॉग अंदर गया लॉग ई, देखो यहां पर अपॉन था तो माइनस आया, ये इनटू है तो प्लस आ गया लॉग एक्स स्क्वायर असुदे, इसको अभी करेंगे टेंशन मत लो। लॉग ही क्या होता है, वन होता है, लॉग ही वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स लॉग ही वन, वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग ही वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर। देखो अभी ये ऐसा फॉर्मूला बना क्या, देखो टैन इनवर्स ए प्लस, देखो ए माइनस है चलो ऊपर माइनस है नीचे प्लस होना चाहिए, है बी ए माइनस बी और नीचे वन प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया वन और लॉग एक्स स्क्वायर, हाँ नहीं है तो यहाँ करके दिखा दो वन इंटू वन का मल्टीप्लाई हो, तो ये फॉर्मूला हो गया वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स अंदर गया टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस टैन इनवर्स अंदर गया टैन इनवर्स ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर, ये कैसे आ गया,
ये ऐसे आ गया, देखो टैन इनवर्स अंदर जाके ए का हो जाएगा और टैन इनवर्स बी का। सर ऊपर तो प्लस था या माइनस है, तो बेटा अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस होना चाहिए, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए। यहाँ जो साइन है यहाँ पर वही है, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस। ये तो फर्स्ट वाले का हुआ, बट सर इधर और एक है, हाँ उसको भी करना। देख बेटा इसको अगर मैं बोलूँ टैन इनवर्स तो ये भी वैसे ही है, फोर प्लस टू लॉग एक्स और वन माइनस ये जो एट है ना उसको देखो, ये ऊपर क्या है फोर इंटू टू एट, तो फोर इंटू टू लॉग एक्स हो सकता है। देखो ये भी तो वैसे ही है टैन इनवर्स ए, ए मतलब फोर और बी मतलब टू लॉग एक्स, और नीचे वन माइनस चाहिए, वन माइनस ए और बी का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो फोर टू जा एट वही है। तो यहां पर मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ इसके यहां पर प्लस, देखो ये टैन इनवर्स ऑफ फोर, टैन इनवर्स ऑफ फोर प्लस टैन इनवर्स, देखो ये टैन इनवर्स ये टू लॉग एक्स, समझ गए। अब देखो यहां पर क्या होगा, एक कंसेप्ट आपको देखना है कि कभी भी यहां पर जो लॉग एक्स स्क्वायर है बेटा, लॉग ये लॉग है ना इसको पीछे खींच लेगा, लॉग एक्स स्क्वायर टू लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर का टू यहाँ टू लॉग एक्स सेम होता है। ये तो टैन इनवर्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस में है और टैन इनवर्स टू लॉग एक्स, ये टू गया तो ये भी एक्स स्क्वायर, दोनों कट गए तो बचा क्या है टैन इनवर्स वन, टैन इनवर्स फोर ये बच गया। बेटा जिसके अंदर एक्स ना हो वो कॉन्स्टेंट होता है, अगर किसी के अंदर एक्स ना हो तो वो कॉन्स्टेंट होता है और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। यहाँ पर हमको पूछा dy by dx, y का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y, tan इनवर्स में x है नहीं कांस्टेंट है जीरो, प्लस tan इनवर्स 4 में x नहीं है उसका डेरिवेटिव जीरो जीरो प्लस जीरो 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 जीरो, ये अरे एक फॉर्मूला और log की प्रॉपर्टी अगर आपको आती हो कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है, कितना इजी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने से सब कुछ होगा। बच्चा पूछ रहा है रुचि कि कैसा पता चलेगा कि कौन सा, भाई क्वेश्चन देख के पता चल रहा है ये टैन इनवर्स है और टैन इनवर्स ए प्लस बी अपन वन माइनस ए बी यहाँ लग रहा है, अगर लॉग अंदर दे दूं तो वो भी यहाँ भी लगेगा, तो ये फॉर्मूला लग सकता है। क्वेश्चन देख के हमें फॉर्मूला रिकॉल करना है कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा फॉर्मूला होगा। ओके सर मी आज टॉपर्स बैच घेतली तर फॉर्मूला बुक कधी, 10 ते 15 दिवसात येईल, हा घेऊन टाक टॉपर्स बैच में फिजिक्स और केमिस्ट्री, हाँ वो मुकेश सर और सोविन सर के ऐप पर अवेलेबल है बेटा। चलो नेक्स्ट, अब तो भाई ओ भाई उत्तरी और क्या सर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे ना हमारे टेक्स्ट बुक में, ये क्वेश्चन नहीं थे, कैसे क्वेश्चन है यार, 11 मई 2023 अरे सर 2023 के क्वेश्चन बता रहे आप, हाँ तो क्या हुआ 11th में शिफ्ट टू 2023 के प्रश्न, सर ये तो लेटेस्ट है ना, अरे यार ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, पुराने पीवाई क्यूज नहीं है, पहले के बता चुका हूँ ना, एकलव्य वन एकलव्य टू एकलव्य थ्री देख भाई, पी फिलर बोल रहा है आप बोले थे एडवांस से पढ़ाऊंगा पर आप तो बेसिक से सिखा रहे हैं, बोलो क्वेश्चन तो देख कौन से लिए, क्वेश्चन कौन से लिए वो देखा क्या, तुझे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। चलो ठीक है, देख भाई देख भाई देख भाई, बच्चों को सब बेसिक लग रहा है अच्छी बात है। देखो मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मेरे लेक्चर में अगर कोई बच्चा या उसका पप्पा या उसकी मम्मी या उसका भाई या उसकी छोटी बहन ओके जो चौथी पांचवी में वो नवी दसवीं में अगर वो लेक्चर बैठते हैं तो सबको समझ में आएगा, तो मेरा स्टाइल है यार बताते समय मैं ईच एंड एवरीथिंग बता देता हूँ कि कोई एक ऐसा बच्चा ना हो जिसको स्टेप ना समझाओ, बाकी क्वेश्चन तो एडवांस लेवल के ही है भाई, देख सकते हो एकदम एडवांस क्वेश्चन है। चलो ठीक है, अब ये बात अलग है कि बच्चे कम है यार, पहले लेक्चर में ज़्यादा बच्चे थे फिर कम आ गए, वो मुझे पता था मैंने पहले भी बोला था, सब भाग जाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x gx 4x, ओ माई गॉड अरे बताया तो था, क्या बताया था सर, एफ डैश और जी डैश, ये देखो देखो एफ डैश एक्स, देखो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 3x का डेरिवेटिव 3x log 3 ओके, और जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, 4x का 4x log 4, कैसे आया भूल गए क्या,
देखो मैंने बताया था ए रेस टू एक्स कभी भी होगा, ए मतलब कोई भी नंबर, जैसे ए मतलब 3 है, ए मतलब 4 है, इसका डेरिवेटिव होता है ए रेस टू एक्स लॉग ए, ऐसा होता है। ये याद रखना, डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आना चाहिए। अब हमको लाना क्या है, एफ डैश जीरो जी डैश जीरो लाना है। देखो कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स, अभी मुझे एफ डैश जीरो चाहिए, जहां भी एफ डैश एक्स है जीरो रख दो, 3 रेस टू 0 log 3। देखो किसी का पावर भी जीरो होगा ना, वन होता है, किसी का पावर जीरो, ये वन, ये पूरा बेसिक भी बता रहा हूँ, इसलिए वो लड़का बोला, इधर आप तो बेसिक से ही सिखा रहे हो, बताना जरूरी है ना, नहीं तो बच्चा पागल हो जाएगा, बोल सर त्रिकुटी गलत सर, अब उसी चक्कर में उसका आगे का भी ध्यान नहीं, सर क्या पेज वर 30 43 पेज नंबर हो तो तीते सर त्रिकुटे गेला बला समझत नहीं है। और इतनी सी छोटी सी बात है कि भाई किसी का पावर जीरो होता है तो वन होता है, वो गायब हो जाएगा, बट उसको लेके पूरे लेक्चर में रोता रहेगा, इसीलिए मैं सब बताता हूँ, ये वन हो गया, वन इंटू लॉग थ्री, लॉग थ्री रह जाएगा, ठीक है। अब जी डैश यहाँ क्या चाहिए, जी डैश जीरो, जी डैश जीरो होगा तो 4 रेस टू 0 इंटू लॉग 4 हो गया, किसी का भी पावर जीरो वन होता तो ये लॉग 4 आ गया। अब जो ये क्वेश्चन था, रिक्वायर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन है वो लेते हैं, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो क्या है लॉग 3, उस क्वेश्चन को लिखो मत, रे लिखने की जरूरत नहीं, जी डैश जीरो क्या है लॉग 4, वन प्लस एफ डैश जीरो क्या है लॉग 3 इंटू, यहां पर इंटू जी डैश जीरो क्या है, जी डैश जीरो लॉग 4, आया क्या कोई आंसर, आया क्या? देखो यहां पर एक ऐसा कर सकते हैं, आंसर को देखें, लॉग 3/4 दिख रहा है तो ये हो सकता है, देखो लॉग, ये लॉग 3 और माइनस है ना, लॉग को कॉमन खींचो तो ये 3/4 हो जाएगा, लॉग वापस अंदर जाएगा तो अपॉन का माइनस हो जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे है 1 प्लस log 3 into log 4। देखो नीचे क्या है, 1 प्लस log 3 into log 4, एकदम ध्यान से देखना, तो यहां पर ये लॉग लॉग कॉमन होगा क्या, नहीं, देखो बीच में जब भी माइनस होगा, जैसे माइनस होगा तो लॉग कॉमन आके डिवीजन होता है, अगर यहां पर बीच में प्लस होगा तो लॉग कॉमन आएगा, 3 4 12 होता है, तो 3 और 4 मल्टीप्लाई, लॉग 3 और लॉग 4 के बीच में मल्टीप्लाई है तो लॉग कॉमन नहीं आएगा, वो ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज योर आंसर एंड ऑप्शन इज ए। डिफिकल्ट लग रहा है क्या? मराठा साम्राज्य लिखो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। संचित लिख रहे हैं, आपके लेक्चर में बहुत मजा आता है, आना ही चाहिए, युवराज लिखो तुम्हें खूब चांद शिखवता, धन्यवाद बेटा। टॉपर्स रिकॉर्डेड, हाँ अभी जो टॉपर्स रिकॉर्डेड है पिछले ईयर की प्लेलिस्ट है, करंट चाहिए तो टॉपर्स प्रो में आ जाओ, ठीक है। सिद्धेश क्या लिख रहा है, मैंने कॉमर्स लिया फिर भी देख रहा हूं, मजा आ रहा है। रिवीजन भी हो रहा होगा ना भाई, खाली जो कॉमर्स के बच्चे उनको मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता है, साइन कॉस टैन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन में साइन कॉस नहीं आएगा, बाकी सब रहता है, ठीक है। चलो है ना टाइम अपने पास, कुछ बच्चे भग गए यार, भागना नहीं है, भागना नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन पीछे छोड़ा था वो कर दे, मैंने बोला था आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से कराऊंगा, देखो ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, ओके, बट इसको मैं डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको बताने वाला हूँ। डिफरेंशिएशन 9 मई 2023 में बहुत सारे क्वेश्चन थे बेटा, कैसे क्वेश्चन थे देखो, इस तरह के क्वेश्चन थे, एकदम ध्यान से देखना बेटा, एक्स रेस टू के प्लस वाई रेस टू के इज इक्वल टू ए रेस टू के, और आंसर आना चाहिए, क्या आंसर आना चाहिए देखो, डेरिवेटिव ये आना चाहिए, ये इधर आया तो माइनस वाई अपॉन एक्स का क्यूब रूट आना चाहिए, तो ऐसा के का कुछ वैल्यू लेना है कि ये आना चाहिए। तो एक तो रास्ता है कि भाई इधर से रख के देखने का, एक तो ये भी है कि ऑप्शन में रख के देखो, जैसे कि ये है, अब देखो यहाँ पर है एक्स रेस टू के प्लस वाई रेस टू के इज इक्वल टू ए रेस टू के, अगर मैं इस के की जगह 1/3 रख दूँ तो एक्स रेस टू 1/3, वाई रेस टू 1/3 और ए रेस टू 1/3, मैंने 1/3 रख के देखा कि डेरिवेटिव ये आता है कि नहीं, एक तरीका बता रहा हूँ मैं, जुगाड़ मेथड बता रहा हूँ कि जिससे हम देख सकते हैं कि भाई आ सकता है कि नहीं, तो मैं डायरेक्ट मेथड ही बताऊंगा, परफेक्ट आंसर लाने का दूसरा तरीका भी होता है कि मैं ये 1/3 के लिए चेक कर रहा हूँ सही है कि नहीं, तो फिर 2/3 के लिए चेक करूंगा, अभी मुझे डेरिवेटिव चाहिए ना, तो एक्स इसका डेरिवेटिव क्या 1/3 आगे आ गया, एक्स रेस टू 1/3 माइनस 1, 3 1 3 1 माइनस 3 माइनस 2/3, 1/3 आ गया, वाई रेस टू माइनस 2/3,
वाई का डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, समझ में आ रहा है। अब ये 1/3 सब जगह पे, 1/3 कट गया सब जगह से, ये क्या आ गया dy by dx, ये x रेस टू माइनस 2/3 वहां गया तो माइनस x रेस टू माइनस 2/3 अपॉन, फिर ये y रेस टू माइनस 2/3 इसके साथ था यहां पर, ये गया तो नीचे गया, तो आंसर ये आया। अब इसको कुछ भी करोगे तो पावर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 1/3 आया कि नहीं, तो 1/3 जो है करेक्ट आंसर नहीं है, 1/3 जो है करेक्ट आंसर नहीं है। हम 2/3 देखते हैं, तो यहां पर अगर मैं 2/3 चेक करता हूं, हां देखो ध्यान से, 1/3 इज नॉट द राइट आंसर। अगर मैं 2/3 देखता हूं तो ये मेरा चेंज हो जाएगा, देखना सेम क्वेश्चन, 2/3 आ गया x रेस टू, देखो 2/3 माइनस 1, 3 1 3, 2 माइनस 3 माइनस 1/3, 2/3 आ गया y रेस टू, ये क्या आ जाएगा माइनस 1/3, तो यहां पर dy by dx, ओके यही चाहिए था, 1/3 चाहिए आ रहा है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। अब देखो ये जो 2/3 है ना, सबको 3/2 से कॉमन लेके वहां भेज दिया, जीरो हो जाएगा, 2/3 कॉमन वहां गया जीरो, यहाँ क्या बचा, देखो डायरेक्ट dy by dx, ये x रेस टू माइनस 1/3 वहां गया तो माइनस x रेस टू माइनस 1/3, फिर यहां पर था देखो ये मल्टीप्लाई y रेस टू माइनस 1/3 ये गया तो डिवाइड हो गया, शॉर्टकट तरीका है डायरेक्ट स्टेप नहीं करने का, इसको आगे करेंगे dy by dx इज इक्वल टू माइनस, ये देखो ये जो x और y है ना दोनों का निगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव करने के लिए y को ऊपर ले लो x को नीचे ले लो, तो जो पावर है कॉमन भी ले लो 1/3, माइनस साइज इसको पलटी है, यानी सही आंसर आ रहा है, मतलब ये बी ऑप्शन सही है। तो सर ये तो एक ऐसा मेथड हो गया ना जिसमें आप ऑप्शन को ही क्वेश्चन में रख के देख रहे हो उसका डेरिवेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको एग्जैक्ट लाने का मेथड क्या होगा, तो एग्जैक्ट लाने के लिए बच्चों हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड यूज कर सकते हैं, ओके लॉजिकल विथ ऑप्शन, ओके। अब मैं इसको एक ऐसा तरीका होता बेटा, जैसे ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन, जिन बच्चों ने मुझसे डिफरेंशियल इक्वेशन सीखा है यूट्यूब के जरिए या हमारे अभी शौर्य बैच के अंदर मैंने पढ़ा के खत्म किया डिफरेंशियल, पूरा ट्वेल्थ का सिलेबस होने आ गया, लास्ट चैप्टर लाइन प्लेन का एक लास्ट एक्सरसाइज बाकी है और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट एक्सरसाइज, बस दो एक्सरसाइज और पूरा शौर्य बैच में खत्म हो रहा है, यानी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे थे बिहाइंड में, यूट्यूब पर तो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ आपको। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं, जैसे ये डीवाई है, डीवाई यहीं रखे, तलाक करते हैं डी एक्स वहां चला जाएगा, ऐसे तलाक कर दिया, माइनस यहीं रखा, ये तो जो y जो अपॉन में x है, ये dx है ना, dx यहाँ, तो ये 1/x यही रहेगा, और इसका पावर क्या था 1/3, ये जो y है dy यहाँ, y यहाँ पर आएगा ऊपर है तो नीचे आ गया, y 1/y, पावर क्या 1/3 है ना, दोनों का पावर 1/3, स्प्लिट कर दिया, तलाक मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते, फिर दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते थे, याद करो ये क्या हो गया 1/y, मतलब y रेस टू माइनस, ये क्या हो गया x रेस टू माइनस 1/3, याद करो ये क्या करते थे इंटीग्रेशन y रेस टू, ये प्लस 1, इसको क्या करते थे इंटीग्रेशन x रेस टू माइनस 1/3, अभी आधे लोग को चक्कर आ रहा होगा इंटीग्रेशन आ गया तो प्लस एक कांस्टेंट c, यहां पर रफ में देखो माइनस 1/3 प्लस 1 क्या होता है 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 1 2, 2/3 होता है, ये क्या आ गया y 2/3 और नीचे भी 2/3, इधर आके 3/2 हो गया, ये 2/3 ऊपर आके 3/2 हो गया, और ये x रेस टू 2/3 और प्लस ए कांस्टेंट c, आया क्या क्वेश्चन, ये आया क्या, क्या चाहिए था हम लोगों ने इसको उठाया, ये लाने की कोशिश की, ओके अब ये 3/2 है, सबको 2/3 से मल्टीप्लाई करो, सबको 2/3 से, तो ये हो गया y रेस टू 2/3 माइनस, ये भी कट जाएगा x रेस टू 2/3 और प्लस यहाँ पर ये 2/3 से c 1 है समझो, मल्टीप्लाई किया ये कांस्टेंट आया, ओके अब देखो मैच करो y रेस टू 2/3, ये माइनस वाला इस तरफ आएगा तो x रेस टू 2/3, आंसर आ गया 2/3, जहाँ भी k है k की जगह पे 2/3 आया, 2/3 इज द राइट आंसर, ओके। तो ये है फर्स्ट मेथड यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है सेकेंड मेथड यूजिंग लॉजिकल ऑप्शन। तो आपको जैसे भी एग्जाम में समझ में आता है, थोड़ा सा देखो किसी को डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, कुछ बच्चे भाग भी जाते हैं, डिफिकल्ट लग सकता है थोड़ा सा, बट उसको सॉल्व करने में जो भी तरीके अगर आपने सीख लिया और आपको राइट आंसर मिल गया, इतना मजा आएगा ना। देखो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से मैंने किया,
और मैक्सिमम टाइम जब भी ऐसे ऑप्शन और के वैल्यू पूछा होता है अननोन वैल्यू, तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा, मजा आया, सवा घंटे हो गए। ठीक है, कैवल्य लिखते हैं प्लीज सर अस, अरे क्या लिख रहा था, प्लीज सर MSTCT इन फुल डिटेल, आई पेड 1.5 लाख फीस, 1.5 लाख इन MSTCT बैच, बट दैट क्लास ओनली टीचर्स ओनली बोर्ड्स, प्लीज इट्स माई रिक्वेस्ट। बेटा 1.5 लाख देते समय आप लोग को जरा भी ये नहीं लगता है 1.5 लाख पिता पिता का इतना फीस आपने क्लासेस में दिया, अच्छी बात है। अब आप यहाँ मुझे बोले बहुत ही डिटेल में चाहिए, तो यार आपके सामने 1.5 हज़ार से 2 हज़ार के रेंज में पूरी टॉपर्स प्रो बैच है जो बहुत ही डिटेल में। अब आप बोलोगे सर मैं पैसा पे नहीं कर सकता, उस बैच में चले जाओ। जब 1.5 लाख किसी कोचिंग क्लासेस में देते हुए हाथ नहीं कांपे, 1.5 हज़ार देते समय हाथ कांपते हैं, बड़ा अजीब लगता है बच्चों तुम लोग ऐसा बताते हो तो, कि 1.5 लाख दे दिया लेकिन सीटी नहीं, सिर्फ बोर्ड ही पढ़ रहे हैं। शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो वो समझो कि मैथ्स का सताया हुआ है, मैथ्स सीखते सीखते जिसके हाथ कांपते हो वो समझो कि मैथ से सताया हुआ है, सिखाता नहीं हूँ सिखाई गई है, अब तक न ये बुलाई गई है, आ जाओ यहाँ बैठ के मैथ सीखेंगे। ठीक है, डेली आया करो, आज आए हो कल भी आओ, कल भी एकदम ट्रिकी क्वेश्चन लूंगा, कल तो जेई के और क्वेश्चन उठाता हूँ जो सीटी में अभी पूछे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। तो क्या तैयार हो, तो क्या तैयार हो, क्या आपके हाथ कांपते हैं मैथ्स के सवाल करते करते आपके हाथ कांपते हो, तो आ जाओ यार, आई एम हियर, मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ हो भाई। चलो भाई, चलो भाई, कल आएंगे, कल मिलेंगे 6 बजे इसी अड्डे पर, इसी चैनल पर, दिनेश सर लाइव स्टडी, और मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पुन्हा भेटूया आताच 8 वाजता मी येणार आहे परत। ही जी आपली बुक आहे, जी मुलं आमच्या टॉपर्स बॅच मध्ये नाही आहेत त्यांच्यासाठी, जो हमारे किसी भी बॅच में नहीं है, जो भी हमारे बैच में थे उनको हमने फ्री में उनके घर भेज दिया है, बहुत से लोगों के घर पहुंच गई है, जिसके घर नहीं पहुंची है उसको अभी पहुंच रही है, बट जो हमारे बैचेस में नहीं है और उनको ये फ्री में चाहिए तो बैचेस में आ जाओ, टॉपर्स प्रो या शौर्य बैच में। ओके, और जो फिर भी यहाँ वहाँ फंसे नहीं आए हैं, जिनको बुक चाहिए, तो अभी 8 बजे लॉन्च होगी, ये बुक खरीद सकते हो आप। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। ओके, सबको गाना पसंद है। ओके, तो बच्चों कल बहुत मजा आएगा, ज्यादा भारी संख्या में आ जाओ, 6 बजे नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना, डिफरेंशिएशन ही होगा, बेसिक फॉर्मूले करके आना, स्टार्टिंग में मैंने बेसिक फॉर्मूले आपको दिए थे वो करके ही आना। ओके, बेसिक थोड़ा मजबूत करके आओ, एकलव्य 1, 2, 3 की प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग के एक एक दो दो लेक्चर देख के आओ, और कल थोड़ा सा यार और कुछ MCQ भी प्रैक्टिस कर लेना एकलव्य से, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एकलव्य 4.0 में मैं आपको एकदम लेटेस्ट एडवांस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन वगैरह लेने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा, आप जुड़ो तो सही। कुछ बच्चे सोच रहे हो सर इधर बोर्ड का कुछ हुआ नहीं, तुम सीटी के पीछे पड़े, अरे भाई बोर्ड भी रिविजन हो रहा है ना, सारे ट्रिक सीखने मिल रहे हैं, देख रैंडमली कोई भी क्वेश्चन आ गया किसी भी एक्सरसाइज का तो कैसे करने का है कि नहीं। चला बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक मिनट, देखो बच्चों ये जो PDF है अभी टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएगी, जो चैट में आपको एक टेलीग्राम लिंक पिन किया हुआ है और अभी आ भी रहा है चैट में, उस टेलीग्राम में जुड़ जाओ, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपको अभी थोड़ी देर के अंदर वो PDF आने वाली है। देखो एक लिंक चल रहा है चैट में हमारी टीम की तरफ से, उस लिंक पे जुड़ जाओ। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बुक अभी आई नहीं है बेटा, आ रही है, प्रिंट हो रही है, प्रिंटिंग में। चलो बाय बाय एवरीवन।